चलो देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा था, आर बराबर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, और क्लास टेंथ में रो आर बराबर रो एल अपॉन ए भी पढ़े थे। जब दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया था रो एल अपॉन ए, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रेजिस्टेंस, इज इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो L से L कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, रजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला आया M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये इतना कल किए थे और हमने इसको बराबर V अपॉन I के निकाला था, और ये क्या निकल के आता था, कांस्टेंट, क्या निकल के आता था, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तब होता था जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं चेंज होगा, लेंथ चेंज ना हो, नंबर डेंसिटी भी नहीं चेंज होगी और बाकी चीज़ें भी चेंज नहीं होंगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं चेंज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम भी अगर टेम्परेचर नहीं चेंज करेंगे तो नहीं चेंज होगा। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट रखे तो V अपॉन I बराबर क्या आता है, कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को R से डिनोट करते हैं, और वही R क्या है, रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस। इसके बाद देखो, आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। अच्छा एक चीज ये बताओ, क्या रजिस्टिविटी जो है लेंथ और एरिया पर डिपेंड करती है? यहां तो कहीं लेंथ और एरिया है ही नहीं, वो तो कैंसिल हो गया, तो ये पॉइंट यहां पे बना के लिख लो, रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है, बट डिपेंड अपॉन किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो यहाँ पे अभी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तीन केस पढ़ने हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में। सबसे पहले हमें किसे पढ़ना है, मेटल के केस में, दूसरे नंबर पे इंसुलेटर, तीसरे नंबर पे सेमीकंडक्टर। ठीक, तो देखो रो बराबर बेटा क्या होता है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यही होता है ना। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो बेटा ये बताओ क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे मास तो नहीं बढ़ेगा, नो चेंज। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेंगे, वो भी नहीं बढ़ेंगे, नो चेंज, या फिर अभी क्रॉस कर लेते, कोई चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या चेंज हो जाएगा, क्या, वो भी नहीं चेंज होगा। अब बचा टाउ, टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से दौड़ेंगे, अगर बहुत तेजी से एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो बहुत जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, भैया उनकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो कोलिजन भी क्या होगा, जल्दी, मतलब कोलिजन वाला समय क्या हो गया, कम, कोलिजन वाला समय क्या हो गया, कम, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो रहा तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इट विल इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, सो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। यहां तक कोई डाउट? तो टेम्परेचर के केस में ड्यू टू रिलैक्सेशन टाइम रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, कम होता है। दूसरे केस पे आते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम, इसीलिए तो कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर ही ये, जब स्टार्टिंग में तुमको पढ़ाया गया होगा, जब स्ट्रेट ग्राफ तुम बनाओ वी आई का, तो तुमसे ये बोला गया होगा कि टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। भैया वो जो वायर लगाते हैं जिसमें वी आई ग्राफ बनाते हैं, वो मेटल का ही होता है ना। अब मेटल का होता है तो हमें स्ट्रेट लाना है,
अगर वहाँ टम्परेचर आ जाएगा तो इसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, चेंज, फिर स्ट्रेट ग्राफ नहीं आएगा। इसीलिए बोलते क्या है, टम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, क्योंकि टम्परेचर के चेंज होने पर रजिस्टिविटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद सेकेंड पे हमें सेमी कंडक्टर में पढ़ना है, इन सेमी कंडक्टर। अब पहले देखो सेमी कंडक्टर होते क्या है। सेमी कंडक्टर क्या है, एक जो मेमोरी चिप नहीं होती, प्रोसेसर होते हैं, ये सेमी कंडक्टर के बनते हैं। सेमी कंडक्टर में जब वो 0 डिग्री या फिर बहुत कम टेम्परेचर पे रखे होते हैं तो उनमें बॉन्डिंग रहती है, क्या रहते हैं, बॉन्ड बने रहते हैं। जैसे कोई भी है, यहाँ पे कोई एलिमेंट है टेट्रावेलेंट एलिमेंट, और ये बगल वाले एलिमेंट से बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन मिलके बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन मिलके बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये दो, इधर दो, इधर दो, तो फिर इसका पूरा लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन दो लोगों से मिलके बन रहा है, यहाँ पे भी एक एलिमेंट है। और जो सेमी कंडक्टर डिवाइस होती हैं वो सिलिकन, सिलिकन कौन से ग्रुप में आता है, कार्बन फैमिली में ना, तो 14, तो इन वाले ग्रुप को ही सेमी कंडक्टर ज़्यादातर बनते हैं। कभी कभी डोपिंग भी करते हैं, एन टाइप होते हैं, पी टाइप, ये क्या होता बाद में देखेंगे, लास्ट वाले चैप्टर में है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। अभी यहाँ पे देखो, मान लो ये सेमी कंडक्टर है और कम टेम्परेचर पर ये बॉन्ड बने हुए होते हैं, और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा बॉन्ड क्या होंगे बेटा, ब्रेक होंगे। अगर बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन मिलके बना है, 2, तो मुझे बताओ 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए कि नहीं हो गए, है ना। हमने टेम्परेचर और बढ़ाया, बॉन्ड और टूटने लगे, बॉन्ड टूटने लगे, सारे बॉन्ड टूटने लगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कम हो रहे कि ज़्यादा हो रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना। अभी देखो रो बराबर बेटा आप क्या जानते हो, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, मास तो नहीं चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, नॉट चेंज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ठीक। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी नहीं चेंज हो रही भैया, पहले तो उस पर है ही नहीं, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम में थोड़ा सा तो वेरी करेगा, लेकिन प्रियोरिटी कौन हो जाता है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रियोरर होता है, जो ज़्यादा होता है चेंज, वो कौन होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम में भी थोड़ा बढ़ा, ये मान लो 50 हो गए तो ये 2 ही 3 काफ़ी कम, तो प्रियोरिटी किसको देते हैं, प्रियोरिटी देते नहीं, ये रियल एप्लीकेशन है, हम नहीं दे रहे प्रियोरिटी, दिस ये ऑब्जर्व किया गया है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ये इंक्रीज हो गए तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इंक्रीज, ठीक। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इन सेमी कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, हैंस इंक्रीजेज एंड मोर प्रियोरिटी क्या, ज़्यादा इंक्रीज होते हैं रिलैक्सेशन टाइम के कंपैरिजन, इंक्रीजेज सो रजिस्टिविटी, लिख लेते हैं, रजिस्टिविटी डिक्रीजेज। कोई दिक्कत यहाँ पे, दो केस में पढ़ा है, एक केस और है हमारा, जो कौन सा है, इंसुलेटर, वो देखो डस्टर रखा है, उठा। नेक्स्ट देखो, इंसुलेटर के केस, तीन ही तरह की डिवाइस तुम्हें पढ़नी है, एक मेटल, सेमीकंडक्टर, थर्ड वन इंसुलेटर। इंसुलेटर में देखो, पहले तो वही फार्मूला, रो बराबर एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ,
ये ना, तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो मास में तो कोई चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में देखते हैं क्या चेंज होगा। भैया ये इंसुलेटर है और इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो n बराबर क्या होता है, जीरो। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में हो गए ना तो वो कंडक्ट करने लगते हैं, जैसे प्लास्टिक है उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी पा लिया गया तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो बस मेन तो यही आ गया, n बराबर जीरो, बाकी कुछ भी है फर्क ही नहीं पड़ता। रो बराबर क्या निकल के आएगा, m अपॉन समथिंग जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग दिस बिकम जीरो, तो रो m अपॉन जीरो इज अ इनफाइनाइट। तो इंसुलेटर के केस में उसकी रजिस्टिविटी कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, कोई दिक्कत। तीन केसेज में हमने रजिस्टिविटी फाइंड किया और उनका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होता ये चीज़ बताई, ठीक। नोट कर लिए ना, चलो नेक्स्ट। इस चैप्टर में जो तुम्हें टॉपिक्स हैं, इलेक्ट्रिक करंट I बराबर DQ/DT हो गया था ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटेलिक कंडक्टर हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, मोबिलिटी देख लेते हैं। चले देख मोबिलिटी, मोबिलिटी को अलग अलग टर्म से डिनोट करते हैं, बेसिकली म्यू, ठीक है। इट इज मोबिलिटी मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है, चलता तो है नहीं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट करता है, तो किसी इलेक्ट्रॉन में कितना ड्रिफ्टिंग हो रही है। अच्छा ड्रिफ्टिंग किस वजह से होती है, देखो तो पोटेंशियल लगाने से क्यों ड्रिफ्टिंग हो जाती है ये भी एक चीज़ बड़ी बात है। मान लो एक बैटरी लगा दिया, फिर हमने इधर पोटेंशियल वी लगा दिया, करंट फ्लो होने लगी, इलेक्ट्रॉन पहले इधर से इधर ऐसे जा रहा था, बाद में वो ड्रिफ्ट हो गया इस जगह पे, तो वो क्यों ड्रिफ्ट हुआ, कोई फोर्स लगा होगा, वो फोर्स बेटा किसकी वजह से लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा, किसकी वजह से लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज लगता है रखा रहता है तो उसमें फोर्स लगता है F=QE। तो ये चार्ज किसकी वजह से ड्रिफ्ट हुआ, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। दो कंडीशन लेते हैं, एक चार्ज था हमने उस पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपना अप्लाई किया यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहीं तक ड्रिफ्ट हो पाया। दूसरा कंडीशन लिया हमने, वो यहाँ तक जा रहा था लेकिन ड्रिफ्ट करके वो यहाँ तक पहुँच गया, तो बताओ ए वाले केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है या बी वाले केस में, बी वाले केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा मोबाइल है, मोबाइलिटी उसकी ज़्यादा है। तो ड्रिफ्ट मोबाइलिटी को अगर डिफाइन करना हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, उसे क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। इट इज़ डिनोटेड बाई म्यू, किससे डिनोट करते हैं, म्यू। अगर हम म्यू बराबर इसका फार्मूला लिखें तो दिस इज अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट निकाली लोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीटर पर सेकंड एंड न्यूटन पर कूलम, कैसे आया इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूट, ई बराबर F/Q, बिकॉज F=QE तो ई बराबर F/Q, दिस बिकम न्यूटन पर कूलम। तो यूनिट अगर लिखना हो तो मीटर पर सेकंड, उसके बाद या फिर सभी को SI में कन्वर्ट करो, अभी इसको चेंज करोगे तो और भी चीज़ें आएंगी, क्योंकि न्यूटन पर कूलम लिखा है ना बेटा, तो इसको चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में तो सब चीज़ें हो सकता और कैंसिल हो जाए, तो यूनिट आप ऐसे निकाल सकते हैं। नोट कर लो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो मोबिलिटी। चलो देखो इसके बाद मोबिलिटी के बाद एक आपका और
एक ग्राफ तो पता होगा ओमिक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट ग्राफ बनता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है स्ट्रेट, पता है कि नहीं? ओमिक कंडक्टर में अगर वी आई के लिए हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, कि स्ट्रेट ग्राफ, वी आई ग्राफ, ठीक है। और इसके बाद कार्बन कोड है नहीं। एनर्जी और पावर, बेसिकली एनर्जी और पावर तुमने पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर 10th में पढ़ा है और 11th में तो मैकेनिकल पढ़ा है। चलो देखो, पहले पावर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर पी से डिनोट करते हैं। पावर बराबर फार्मूला तुम्हें पता होगा, वर्क अपॉन टाइम। अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वर्क मैकेनिकल तो नहीं लेंगे, इलेक्ट्रिकल ही लेंगे। दिस इज डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिकल वर्क पर यूनिट, एक यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ कॉल्ड इज कॉल्ड पावर, ठीक। और इलेक्ट्रिकल में अगर पावर के फार्मूले लिखे जाए तो पी बराबर बेटा क्या है, चार फार्मूले वी आई। और अच्छा, वी आई कहीं से आया नहीं, हम ज़बरदस्ती नहीं लिख रहे, इसी से अगर कहो तो हम डिराइव कर दें। चलो डिराइव कर लेते, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, ये तो सिंपल डेफिनेशन ही हुई, तो डेफिनेशन से ही हम डिराइव करते। वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू एंड डब्ल्यू बिकम वी क्यू, ओके। पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू बिकम वी क्यू अपॉन टी, पावर इक्वल्स टू दिस बिकम क्यू बाई टी, वट इज क्यू बाई टी, दिस इज अ करेंट, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो एक तो वी आई आपका अभी जो हम बता रहे थे, याद तो करना नहीं, ऐसे ही आ गया, एक ये बाई डेफिनेशन आया है। अभी इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करें, इसको अगर और सॉल्व करें तो P इक्वल्स टू V बराबर आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ एंड दिस बिकम I, देन बिकम I स्क्वायर R, अनदर फार्मूला ऑफ पावर। फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, देन I इक्वल्स टू V अपॉन R, पुटिंग वैल्यू ऑफ I हेयर V इक्वल्स टू वी आई, तो V अपनी जगह I इक्वल्स टू V अपॉन R, दिस बिकम V स्क्वायर अपॉन, दिस इज अ नेक्स्ट पावर, ठीक है। तो एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा, चार फार्मूले हो गए पावर के, ठीक है। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये नोट करो जल्दी से करो, सिंपल। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर तुमसे हम बोले तो यहीं से हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ज़्यादा ये सब बताने की चीज़ें अभी इसमें नहीं है, सब पढ़े हो, कुछ नया नहीं है खास। वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, दिस वर्क इज एनर्जी, वर्क और एनर्जी एक ही बातें हैं, तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर के कितने फार्मूले पढ़े, चार, उन चार फार्मूले में किससे मल्टीप्लाई करते तो एनर्जी आ जाएगा टी। तो एनर्जी अगर हम लिखना चाहें हीट एनर्जी, तो एक तो फार्मूला आएगा वी आई टी, बिकॉज वी आई दिस मल्टीप्लाई बाई टी इज पावर, मल्टीप्लाई टी इज एनर्जी। एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर इज अ पावर एंड टाइम मल्टीप्लाई बाई एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी। एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर दिस मल्टीप्लाई बाई टी दिस अगेन दैट इज अ एनर्जी, ठीक है। यूनिट क्या होती है, जूल होती है, यहाँ पे लिख लेते क्या पढ़ रहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट इज जूल, और अगर कॉमर्शियल जो आपके मीटर में यूज होता है वो एनर्जी ही मेजर करता है, क्या मेजर करता है, एनर्जी। लेकिन वो जो एनर्जी होती है वो किस में मेजर करते हैं, जो घर पे बिजली का बिल आता है वो किस पे आता है, किलोवाट आवर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट। और ये एनर्जी है तो इसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 किलोवाट आवर क्लास 10th में पढ़े हैं कितना आएगा, 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये हमने किलोवाट आवर एनर्जी को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, जूल। कभी कभी ये पूछ लेते कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कॉमर्शियल मतलब बिजनेस में कौन सी एनर्जी यूज होती, तो यूनिट ही होती, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं, ठीक है, इतने यूनिट बिजली जलाई, और बस इतना ही है। और
एक फार्मूला एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बेटा बनता है। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, अगर हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन करना है तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, मान लो बहुत ज़्यादा करंट हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि मान लो हमने 100 जूल की एनर्जी भेजी और एनर्जी में करंट बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज कम है, तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी लगा, क्योंकि सारा पार्ट सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी लगा है वायर में, सारा पार्ट छोटे छोटे पार्ट किस में जुड़े, सीरीज में ही तो है, ऐसा तो है नहीं एक वायर उसके बाद दूसरा वायर, ऐसे तो गए नहीं सीरीज, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ते गए, तो एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी यूज करेंगे, वहाँ करंट बहुत ज़्यादा तो सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में वहीं पे क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें एक डिवाइस मिली जो क्या, जिसका नाम क्या है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट बनाता है, कुछ करता नहीं है, वो करंट कम कर देता है, पोटेंशियल बढ़ा देता है, पोटेंशियल कम कर देता है, करंट बढ़ा देता है। मान लो तुम्हें बहुत दूर तक ट्रांसमिशन करना है तो क्या करंट ज़्यादा भेज पाओगे, नहीं, तो वहाँ पे एनटीपीसी या फिर थर्मल पावर प्लांट में या फिर पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट में, वहाँ एक ट्रांसफार्मर रखा होता है जो करंट को कम कर देता है और पोटेंशियल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो करंट कम कर देगा तो रास्ते में हीट का लॉस क्या हो जाएगा, काफ़ी कम, और हीट का लॉस कम हो जाएगा तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो करंट को कम करें और पोटेंशियल को बढ़ाएं, उनको बोलते हैं बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ऐसे ट्रांसफार्मर जो करंट को बढ़ाएं और वोल्टेज, अब मान लो घर पे आ गया, जो बड़े बड़े पावर पिलर्स होते हैं, खंबे होते हैं, उसमें कम से कम लाखों करोड़ों वोल्टेज, जो आपकी ट्रेन चलती है इलेक्ट्रिकल ट्रेन, वो 24,000 वॉट पे, वोल्ट पे चलती है, उसके ऊपर जो वायर जाता है वो कितने वोल्ट का होता है, 24,000। नॉर्मल जो ये होते 11,000 वोल्ट की लाइन होती है, तो इससे हमारा मोबाइल तो चार्ज होगा नहीं, तो पोटेंशियल यहाँ कम भी करना पड़ता है। तो ऐसे ट्रांसफार्मर जो पोटेंशियल को कम करें, करंट को बढ़ा दें, उनको क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्योंकि हमारा मोबाइल तो 12 वोल्ट पे चार्ज होता है, 11,000 से लगा देंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए क्या करते हैं, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जो करंट को कम करते हैं, वो पोटेंशियल को कम करते हैं और करंट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लो, हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा, कंडक्टिविटी। नेक्स्ट कंडक्टिविटी, अभी बता दिया था मैंने रेजिस्टिविटी, वहीं पे बताना चाहिए था, वहीं तो वहाँ तो क्या हो गया। कंडक्टिविटी सुनो, कंडक्टिविटी, उसके बाद एक कंडक्टेंस भी पढ़ेंगे, कंडक्टेंस। तो ठीक, सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये याद कैसे करेंगे, बस सिंपल सा देखो, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अभी सिग्मा से डिनोट किया, सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, ये इसका फार्मूला हो गया, और दिस इज कंडक्टेंस, के से डिनोट कर देते कभी कभी, अभी के बराबर 1/r, ठीक है। एक और शायद तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा हो, कप्पा, याद है, कंडक्टिविटी में। इसके बाद देखो तीसरा पॉइंट, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, इसका यूनिट जो होगा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम नहीं होती, ओम मीटर होती है, ठीक है, बताएं क्या, आर बराबर रो एल अपॉन ए, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, दिस इज अ ओम, एरिया यूनिट इज मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर, मेजर्ड इन मीटर, दिस बिकम ओम मीटर, दिस इज रेसिप्रोकल, सो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और ओम को हम क्या लिखते हैं, यूनिट, ओम को एमएचओ भी लिख देते हैं, ठीक है,
एम एच ओ मीटर इनवर्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। और इसकी यूनिट पता है, ओम इनवर्स या फिर साइमन भी बोलते हैं एक, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स, ऐसे भी लिखते हैं ओम इनवर्स, ये भी सिंबल होता है ओम इनवर्स का। और एक और यूनिट होती है साइमन, ठीक ठीक है, नोट कर।